हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जनकुक अपनी दोनों प्रिंसेस को सुलाने के बाद वो सोने के लिए बेडरूम में जाने ही वाला था, अचानक वो किसी ऐसे इंसान को देख लेता है जिसको देखने के बाद जनकुक बहुत ही डर गया। वो कोई और नहीं, वो त्यांग है। त्यांग वो अपनी कैट के साथ जनकुक के सामने खड़े हुए थे। जनकुक ने त्यांग से कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम कब आए और तुम्हें मेरे घर की एड्रेस कैसे मिला? त्यांग ने कहा, क्यों, क्या मुझे तुम्हारे घर की एड्रेस नहीं मिल सकता है क्या? अगर मैं चाहूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ। तुमने सोचा भी कैसे, तुम मुझे इतनी बड़ी बात छुपा सकते हो मुझसे? तुमने एक करने की हिम्मत भी कैसे किया? जनकुक ने कहा, क्या मैंने ऐसा क्या कर दिया? और अब मैं तुम्हारे लिए कर भी कह सकता हूँ? क्यों आए हो तुम यहाँ पर त्यांग, बताओ मुझे। त्यांग ने कहा, क्यों, तुम्हें डर लग रहा है क्या? तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, तुम मुझसे ये पूछ रहे हो? ये बताओ, तुम मेरे लिए क्या क्या नहीं कर सकते हो? जनकुक ने कहा, क्या, मैं समझा नहीं। त्यांग ने कहा, मुझे मेरी ट्विन डॉटर चाहिए जो तुम्हारे पास है। जनकुक कहता है, तुम्हें किसने कहा? तुम्हारी कोई बेटी नहीं है, समझ गया तुम? जाओ यहाँ से। और ट्विन डॉटर तुम्हारा नहीं, वो मेरा है, मैंने उन दोनों को जन्म दिया है। तुम्हें इसके बारे में कौन बताया? जिसने भी बताया है तुमसे झूठ कहा है, और अब तुम जाओ यहाँ से। त्यांग ने जनकुक की फेस को पकड़ते हुए कहा, झूठ तो तुम बोल रहे हो, तुम्हारी शक्ल देखकर ही पता चल गया। आखिर तुम मुझसे झूठ नहीं कह सकते हो जनकुक? देखो, मुझे पता है जब भी तुम झूठ बोलते हो ना मुझसे, तुम्हारी शक्ल इतना ही डरावना लगता है जैसे कि अब लग रहे हो। जनकुक ने कहा, बस करो त्यांग, जाओ अभी यहाँ से। तुम्हें इस तरह से देखकर वो दोनों डर जाएगा। मैं नहीं चाहता हूँ उन दोनों को तुम्हारे बारे में पता चले। त्यांग कहता है, क्यों, वो दोनों अपने डैड के बारे में क्यों नहीं जान सकते हैं? तुम उन दोनों से झूठ नहीं कह सकते हो, उन दोनों को पता चलना चाहिए कि मैं उन दोनों की डैड हूँ। जनकुक कहता है, बिल्कुल नहीं, उन दोनों को पता नहीं चलेगा और नहीं मैं कभी बताऊँगा। और तुम उन दोनों की डैड नहीं हो, मैं उन दोनों की डैड भी हूँ और मॉम भी हूँ। तुम कुछ भी नहीं लगते हो। त्यांग तुम अभी यहाँ से जाओ प्लीज़, वरना वो दोनों उठ जाएगा। तुम बहुत ही शोर कर रहे हो। त्यांग ने जनकुक को पेट पर धकेल दिया और उसके ऊपर आ गए और जनकुक से कहा, क्यों, अगर उन दोनों को पता चल जाएगा तो क्या हो जाएगा? मैं चाहता हूँ कि वो दोनों मुझे देखे और उन दोनों को पता चले कि मैं उन दोनों की डैड हूँ। तुम कब तक उन दोनों से झूठ कहते रहोगे? तुमने उन दोनों से क्या कहा, कि उसकी डैड मर गया क्या? क्या ऐसा ही कहा है तुमने? जनकुक कहता है, त्यांग, मैं ऐसा क्यों कहूँगा, और तुम इतनी घटिया सोच कैसे रख सकते हो? लेकिन मैंने उन दोनों को तुम्हारे बारे में नहीं बताया। मैं नहीं चाहता हूँ कि उन दोनों को पता चले तुम्हारे बारे में। तुमने जो किया है ना मेरे साथ, मैं कभी नहीं भूलूंगा। त्यांग ने कहा, क्यों नहीं भूलने वाले हो? क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार जो करता था, शायद इसीलिए तुम मुझे भूल नहीं पाते हो। सही कहा ना, क्या तुम मुझसे अभी भी उतना ही प्यार करते हो? जनकुक ने कहा, मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता हूँ। त्यांग ने कहा, झूठ बोल रहे हो, तुम मुझसे प्यार करते हो, कब तक छुपाओगे? और तुम ये भी जानते हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, फिर भी तुमने मुझसे डिवोर्स मांगा और फोर्सफुली मुझसे डिवोर्स ले लिया। तुम्हारे वो अंकल जो है, अपनी पावर की इस्तेमाल करके तुम्हें मुझसे अलग कर दिया और तुम मुझसे बच के निकल गए। जनकुक, तुम बहुत ही गलत किया है। तुम्हें पता चलना चाहिए था कि तुम्हारे हस्बैंड तुमसे कितना प्यार करता है। तुम्हें इस तरह से मुझे डिवोर्स नहीं देना चाहिए था। जनकुक कहता है, तुम उसे प्यार कहते हो क्या? तुम जो वो करते हो ना, वो उसको पागलपन कहता है। प्यार नहीं, प्यार इससे नहीं कहता है जो तुम किया करते थे। त्यांग ने कहा, क्यों, अगर उससे प्यार नहीं कहता है तो फिर किसे प्यार कहता होगा? उसके बाद त्यांग जनकुक की होठों पर किस कर लिया। जनकुक के दोनों हाथों को एक हाथ से कसके पकड़ लिया था और दूसरी हाथ से जनकुक की शर्ट के अंदर हाथ लेकर जाते हैं और उसकी बॉडी को सहलाने लगता है और जनकुक के साथ फोर्सफुली इंटीमेट होने लगता है। जनकुक त्यांग को खुद से अलग करने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन अलग नहीं हो पा रहे थे। त्यांग पूरी एनर्जी के साथ जनकुक के साथ इंटीमेट हो रहे थे। जनकुक गिव अप कर देता है क्योंकि त्यांग इतना फोर्स कर रहा था कि जनकुक पूरी तरह से थक जाता है। उसके बाद त्यांग जनकुक को लेकर वॉशरूम के अंदर चले जाते हैं और बाथटब पर जाकर फिर से इंटीमेट होने लगता है। जनकुक त्यांग से कहता है, तुम बहुत ही घटिया हो, तुम अभी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें खुद भी पता है, फिर भी तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। त्यांग, तुम हमेशा से ही ऐसे हो और इसलिए मुझे तुमसे अलग होना पड़ा, लेकिन फिर से तुम वही हरकतें करने लग गए हो। इतने साल बाद भी तुम वैसे की वैसे ही रह गए। मुझे लगा इन 9 सालों में तुम चेंज हो गए होंगे,
लेकिन तुम तो वैसे की वैसे हो, घटिया इंसान। तियांग जनको की ऐसी बातों को सुनकर उसकी लिप पर बाइट कर देता है और कहता है, आइंदा तुम ऐसी बातें किया ना तो फिर तुम्हारे साथ इससे भी कहीं ज़्यादा बुरा सलूक होने वाला है। जनकुक ने कहा, तियांग बस करो, वो दोनों उठ जाएगा, तुम बहुत ही शोर कर रहे हो। लेकिन तियांग कहाँ सुनने वाला है, वो तो जनकुक के साथ जब तक मन कर रहा था उसके साथ इंटीमेट हो रहे थे। तियांग 9 साल बाद जनकुक के साथ वो ही इंटीमेट हो रहे थे। जनकुक को वो ही दर्द महसूस हो रहा था जैसे कि शादी की फर्स्ट नाइट हो, और तियांग उसी एनर्जी के साथ जनकुक के साथ इंटीमेट हो रहे थे जैसे कि उन दोनों की आज फास्ट नाइट हो रहा हो। जनकुक ने तियांग से कहा, तुम बिल्कुल वैसे ही हो हैवन, जैसे कि तुम हमारी शादी के फास्ट नाइट पर थे। मुझे तुमसे उतना ही डर लग रहा था जैसा आज लग रहा है। तियांग ने कहा, क्या तुम मुझसे इसीलिए डिवोर्स ले लिया था? जनकुक ने कहा, तुम हमेशा ऐसे ही हो तियांग, कभी भी अपने आप को बदल नहीं सकते हो ना, कभी भी इंसानों की तरह प्यार नहीं कर सकते हो ना, हमेशा हैवन बनकर प्यार करना ज़रूरी है क्या? तियांग जनकुक से कहता है, मेरा प्यार करने का तरीका ऐसा ही है, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मैं अपने आप को बदल नहीं सकता हूँ तुम्हारे लिए, जो इंसान मुझे छोड़कर चला आया। जनकुक ने तियांग से कहा, वो मैं तुम्हें छोड़कर क्यों आया हूँ तुम्हें अच्छी तरह से पता है। तियांग ने कहा, आई डोंट केयर। इसके बाद जनकुक को अपने हाथों से क्लीन करने लगता है। जनकुक ने तियांग से कहा, तुम छोड़ो मुझे, मैं अपने आप को क्लीन कर सकता हूँ। तियांग ने कहा, तुम बहुत थक गए होंगे, तुम्हें खुद से क्लीन करना नहीं आता होगा, अभी भी तुम बैठे हो, मुझे लगता है अभी भी तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत है। तियांग की बात सुनकर जनकुक ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें ऐसा लगता है क्या, इन 9 सालों में मैं पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं बहुत चेंज हो गया हूँ। तियांग कहता है, बिल्कुल भी नहीं, तुम वैसे की वैसे ही हो जैसे कि तुम पहले हुआ करते थे। और जनकुक को क्लीन करने के बाद अपनी गोद में उठाकर बेड पर लेकर आते हैं और कहता है, सो जाओ। जनकुक कहता है, तुम जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, लेकिन तुम्हें मेरी ही शक्ल देखना पड़ेगा क्योंकि अब हमारी बेटी है और मैं अपनी ट्विन डॉटर को देखकर ही जाना चाहता हूँ। अगर तुम ऐसे ही करते रहेगा ना तो फिर मैं तुम्हारी जीना मुश्किल कर दूंगा, जनकुक कहता है तियांग। तियांग ने जनकुक की होठों पर किस करते हुए कहा, गुड नाइट माय लव। जनकुक कहता है, मैं तुम्हारी कोई लव नहीं हूँ। तियांग कहता है, तुम मेरे लव ही हो क्योंकि तुम हमेशा मेरे लव ही रहोगे और मैं हमेशा इसी तरह से तुमसे प्यार करता रहूँगा, चाहे तुम मेरे साथ हो या ना हो। उसके बाद तियांग जनकुक को अपनी बाहों में लेकर हक करते हुए सो जाते हैं। जनकुक भी तियांग को कुछ नहीं कहता है और दोनों ऐसे ही नींद में चले गए। जैसे ही सुबह हो गया तियांग पहले उठ गया और जनकुक की फोरहेड पे किस करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग। जनकुक उठकर कहता है, तुम अभी तक यहाँ पर हो, तुम नहीं गए? तियांग कहता है, क्या बात है, मैंने तुम्हें गुड मॉर्निंग कहा, तुम मुझ पर गुस्सा कर रहे हो, मुझे जाने के लिए बोल रहे हो, क्या गुड मॉर्निंग नहीं कहने वाले हो? जनकुक, क्या तुम तुम्हारी तमीज़ भूल गए हो? गुड मॉर्निंग की जवाब गुड मॉर्निंग से ही देना चाहिए। जनकुक कहता है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना है तियांग, जाओ यहाँ से। तियांग ने कहा, मैंने तुमसे कहा था मैं अपनी बेटियों से ना मिलकर नहीं जाऊँगा और तुम हो कि मुझे यहाँ से जाने के लिए बोल रहे हो। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि तुम्हें और अपनी बेटियों को अपने साथ मेरे घर पर लेकर जाऊँगा। जनकुक कहता है, क्या ऐसा कभी नहीं हो सकता है? तियांग कहता है, लेकिन ऐसे होगा, अगर तुम वापस नहीं जाना चाहोगे तो मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर रुक जाऊँगा। जनकुक कहता है, तियांग तुम पागल हो गए हो क्या? जनकुक का तियांग की बातों की आवाज़ सुनकर आयरा और आरुही दौड़ कर आ जाते हैं और जनकुक को आकर हक करते हुए कहते हैं, डैड आप किसके साथ बातें कर रहे हो और वो कौन है और वो कैट उनके पास क्या कर रहा है? मुझे उनसे कैट से डर लग रहा है। जनकुक ने कहा, तुम दोनों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं। तियांग वो अपनी कैट को नीचे उतारने के बाद कहता है, देखो तुम दोनों मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? मैं तुम दोनों की, जनकुक कहता है, तियांग बस करो, तुम कुछ भी नहीं बताओगे। तियांग ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम भी नहीं बताना चाहते हो और अगर मैंने भी नहीं कहा तो उन दोनों को पता कैसे चलेगा? आयरा और आरुही कहता है, डैड हमें क्या नहीं पता चलेगा? तियांग ने कहा, मैं तुम दोनों की डैड हूँ, वो तुम दोनों की अप्पा है और तुम दोनों मुझे डैड कहो, मैं तुम दोनों की मुझसे डैड सुनना चाहता हूँ। आयरा आरुही, तुम दोनों मेरी बेटी हो। तियांग की बात सुनकर वो दोनों बहुत ही शौक हो गए और उन दोनों ने जनकुक को देखा और कहा, डैड वो क्या बोल रहा है, क्या वो सच में हमारी डैड है?
आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? तियांग ने कहा। वो कैसे कहेगा, वो तुम दोनों से छुपाना चाहता है और तुम दोनों को मुझसे दूर रखना चाहता है, क्योंकि मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूँ। उसको डर लगता है कहीं मैं तुम दोनों को उससे चुरा ना लूँ। क्यों, मैंने सही कहा ना जनकुक? जनकुक ने तियांग से कहा। तियांग बस करो, आखिर तुम चाहते क्या हो? तियांग ने कहा। मैं इतना चाहता हूँ कि तुम तीनों मेरे पास वापस लौट कर आओ। जनकुक कहता है, बहुत देर हो चुका है, अब मैं लौट कर नहीं आ सकता हूँ तुम्हारे पास। तियांग ने कहा, क्यों नहीं आ सकते हो? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो जनकुक? जनकुक ने तियांग को देखते हुए कहा। मैं तुमसे और आगे बोल ही नहीं पाया। तियांग ने कहा, नहीं बोल पा रहे हो ना, आखिर तुम भी मुझसे प्यार करते हो, चाहे मैं कैसी भी हूँ, लेकिन तुम मुझसे प्यार करते हो और यही सच है, और इसी वजह से तुम मेरे साथ वापस जाने वाले हो। उसके बाद जनकुक ने चालाकी के साथ तियांग से कहा, मैं तुम्हारे साथ वापस एक शर्त पर जा सकता हूँ। तियांग ने कहा, कौन सी शर्त? तो फिर जनकुक ने तियांग से कहा, अगर मैं तुमसे जो भी करने के लिए कहूँगा वो तुम बाखूबी से निभाते हो तो ही मैं तुम्हारे साथ वापस लौट कर जाऊँगा। तियांग कहता है, क्या तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारी हर बात सुनूँ? जनकुक कहता है, हाँ। तो तियांग कहता है, ठीक है, ऐसा करना चाहते हो तो ठीक है, मैं तैयार हूँ। उसके बाद जनकुक ने तियांग से वो सब कुछ करवाया जो तियांग ने पहले कभी नहीं किया। खाना बनाने से लेकर कपड़े क्लीन और डिशेज क्लीन सब कुछ तियांग से करवाया। तियांग ने किसी भी काम के लिए मना नहीं किया। जनकुक ने जो भी करने के लिए कहा तियांग ने वही किया। जनकुक को भी तियांग के लिए बुरा लग रहा था। फाइनली जनकुक तियांग से फिर से प्यार करना शुरू कर दिया और तियांग को माफ़ कर दिया। तियांग ने जनकुक से कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, क्या तुम्हें अभी यकीन हुआ? हाँ, मेरी प्यार करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ जनकुक। और तुम मुझसे डरते क्यों हो? तुम मुझसे डरते हो ना तो मुझे तुम्हें और डराने का मन करता है, लेकिन सच मानो तो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इन 9 सालों में मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा है। मुझे लगा तुम मुझे डिवोर्स देने के बाद किसी और से शादी करके खुश रहने लग गए होंगे, लेकिन तुमने तो शादी भी नहीं किया और तुम्हारे 2 बेटी भी है, तुमने मुझे बताया भी नहीं। तुमने इन दोनों को अकेला ही बड़ा किया है, वो दोनों 8 साल के हो चुके होंगे ना? जनकुक अपनी सर हिलाता है। तियांग ने कहा, मैंने 8 साल उन दोनों की मिस कर दिया, मुझे उन दोनों को अपनी आंखों के सामने बड़ा होते हुए देखना था। जनकुक प्लीज़ मुझसे और हक मत छीनो, मैं उन दोनों को और भी बड़ा होते हुए देखना चाहता हूँ, उन दोनों की शादी करवाना चाहता हूँ। जनकुक प्लीज़ वापस चलो। तो फिर जनकुक ने भी तियांग को हाँ कर दिया। उसके बाद तियांग अपनी बेटियों के साथ जनकुक को लेकर अपने घर आ जाते हैं। जनकुक तियांग के घर आने के बाद पहले बड़ा फील कर रहा था। जब वो शादी के बाद तियांग के घर पर आया था, जनकुक को बहुत ही अच्छा लग रहा था। आयरा और आरू ही तो बहुत ही खुश है, फाइनली उन दोनों को अपनी डैड मिल गया और वो दोनों यही जनकुक को बता रहा था, डैड की घर तो हमारे घर से भी बहुत बड़ा है। तियांग ने कहा, ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तो तुम तीनों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। उसके बाद तियांग अपनी दोनों बेटियों को गोद में उठा लेता है और कहता है, बताओ तुम दोनों मुझसे क्या चाहते हो? इतने सालों में मैंने तुम दोनों को कोई प्यार नहीं दे पाया और न ही कोई तोहफा दे पाया, अब तुम दोनों जो मुझसे मांगोगे ना मैं तुम दोनों को वही देने वाला हूँ। जनकुक ने तियांग से कहा, देखो तियांग, मैंने आज तक उन दोनों को वही दिया है जो उन दोनों के लिए सही है, तुम उन दोनों को ऐसा कुछ मत देना जो उन दोनों को अभी नहीं चाहिए हो। तियांग ने कहा, जनकुक मेरी प्यार करने का तरीका अलग है, मैंने तुमसे कहा ना जो तुम करोगे वो मैं थोड़ी करने वाला हूँ, तुमने उन दोनों को बहुत ही अच्छे परिवेश के साथ बड़ा किया है, लेकिन अभी मुझे उन दोनों को थोड़ा सा बिगाड़ने दो। जनकुक ने कहा, बिल्कुल नहीं। तियांग ने कहा, थोड़ा सा, मैं बस उन दोनों को वो सब कुछ देना चाहता हूँ जो वो दोनों चाहता है। जनकुक कहता है, सिर्फ एक ही दिन के लिए। तियांग ने कहा, ठीक है, इन एक दिन में वो दोनों मुझसे जो भी मांगेगा मैं उन दोनों को वही देने वाला हूँ। जनकुक तियांग से कहता है, आखिर तुम उन दोनों की डैड हो, इसीलिए मैं तुम्हें रोक भी नहीं सकता हूँ। उसके बाद तियांग अपनी बेटियों को लेकर बाहर घूमने जाता है और जनकुक भी साथ में ही था। दोनों प्रिंसेस ने जिस भी चीज़ पर हाथ रखा है तियांग ने हर एक चीज़ को खरीद कर दिया और अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्यार करता है तियांग। और अब तो ऐसे हर रोज तियांग जनकुक का अपनी दोनों प्रिंसेस को प्यार देते आ रहा था कि जनकुक तियांग को छोड़कर जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। तो फिर इसी हैप्पी एंडिंग के साथ दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो।
अगर पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।